हे एवरीवन, खमा गणिसा, मैं ममता राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है कि पांच राजपूती ज्वेलरी जो आप सबके पास होनी ही चाहिए। मैं सिर्फ ये राजपूती 2200 को ही नहीं सजेस्ट कर रही, जो भी और अदर कास्ट के मारवाड़ीज हैं उनके लिए, और कुछ ज्वेलरी ऐसी है जो अदर इंडियन आउटफिट पे जाएगी तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रखड़ी दिखाऊंगी, लाइक रखड़ी। ये रखड़ी छोटी रखड़ी है, वैसे ही एक बड़ी रखड़ी है। मैं ये आपको दो रखड़ी इसलिए दिखा रही हूँ, किसी के फेस पे है ना, मैंने देखा है कि बड़ी रखड़ी बहुत सुंदर लगती है तो किसी के फेस पे छोटी रखड़ी अच्छी लगती है। तो वो आपके ऊपर है कि अकॉर्डिंग टू योर फेस आपके ऊपर कौन सी रखड़ी अच्छी दिखेगी, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास दोनों बड़ी और छोटी रखड़ी हो तो आप दोनों ले सकते हो। ये हो गई रखड़ी। एंड सेकेंड मैं बात करूँगी मैरी की। मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, साथ ही मैं अगर हुआ तो साइड में है ना एक वीडियो डाल दूँगी पहन के। मैं ये सारी ज्वेलरी पहन के आपको दिखाऊँगी कि कैसा दिखता है ये राजपूती ज्वेलरी। एंड मैरी एक ऐसी ज्वेलरी है, राजपूती ज्वेलरी है, जो ये सिर्फ राजपूती पोशाक पे ही नहीं, आप चाहे साड़ी पे ले लो या आप कोई ड्रेस ले लो, कुर्ती सेट ले लो, ये किसी भी इंडियन आउटफिट पे बहुत अच्छी दिखती है। अगर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ मेरे हुए तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे ऐड करके बताऊँगी। ये भी मस्ट हैव ज्वेलरी है कि आपके पास होनी ही चाहिए। तो अब हम हमारे नेक्स्ट ज्वेलरी की बात करेंगे, वो है बेसर। क्योंकि आजकल बेसर ही इतना ट्रेंड में चल रहा है कि आप बस ये पहन लो और नथ की ज़रूरत ही नहीं है। बट जिन भाईसाओं को नथ बहुत पसंद है तो आप नथ भी ले सकते हो, बट ये बेसर ही आपके लुक को बहुत ही एनहांस कर देगा। और अगर आप नथ लेना चाहते हो तो वो तो रॉयल लुक देगा ही आपको। वैसे मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ दिखा सकती हूँ कि अगर आप बेसर पहनना पसंद करोगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगी। अगर आप बड़ी नथ लेना चाहते हो तो देखिए कुछ ये इस तरह की नथ दिखेगी, काफ़ी ये रॉयल लुक देगी आपको। अगर आप चाहते हो कि ये साइज़ मतलब नथ भी आपके फेस के अकॉर्डिंग ही लो, क्योंकि देखिए ये है ये छोटी नथ, किसी के फेस पे छोटी नथ अच्छी लगती है, किसी पे बेसर अच्छा लगता है, किसी पे नहीं अच्छा लगता। तो आप नथ भी ले सकते हो। अगर नथ नहीं अच्छी लगती तो आप ज़रूर बेसर ट्राई करो। और ऐसा नहीं है कि ये ज्वेलरी सिर्फ हमारे राजपूती पोशाक पे ही अच्छी लगती है, ये ज्वेलरी आप कुछ अदर कास्ट के मारवाड़ीज भी अगर पहनेंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट ज्वेलरी है इयररिंग्स। अगर आप इयररिंग्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ आप हैवी कुंदन में इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये आपके राजपूती ड्रेस हो या इंडियन कोई भी आउटफिट हो, इतने प्यारे लगते हैं ना, बहुत प्यारे, देखने वाले आपको देखते ही रह जाएंगे, इतने प्यारे दिखते हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि आप इन्वेस्ट करो तो अच्छे खासे हाई क्वालिटी के कुंदन में इन्वेस्ट करो, ये आपके सारे आउटफिट पे बहुत प्यारे दिखने वाले, बहुत। आप चाहे ड्रेस पहनो, कुर्ती सेट पहनो, साड़ी पहनो, या राजपूती ड्रेस पहनी हो, या कोई अदर आउटफिट पहना हो, तो आप ज़रूर ये इयररिंग्स ट्राई करना। साथ ही मैं यहाँ पे आपको वीडियोस भी ऐड करती रहूँगी या फोटोज़ ऐड करूँगी कि ये कैसा दिखता है, तो डेफिनेटली ये ज़रूर ट्राई करना। अभी मैं अपनी लास्ट ज्वेलरी की बात करूंगी, वो है नेकलेस। आपके पास, अगर मैं एक राजपूती ज्वेलरी की बात करूं तो आपके पास प्यारा सा छोटा सा कुंदन का सेट होना चाहिए, बिकॉज ये आपके पोशाक के ऊपर चांद चांद लगाएगा।
लाइक अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है सेट। वैसे ही मैं एक और सेट आपको दिखाऊंगी कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ आप पतले से कुंदन के सेट लो, ये आपके ड्रेस पे बहुत अच्छा दिखेगा। आपके पोशाक हो चाहे साड़ी हो, या साड़ी पे पहनो इसे या पोशाक पे पहनो, ये ज्वेलरी ऐसी है, ये नेक पीस ऐसा है कि आपके आपकी पोशाक साड़ी पे बहुत सुंदर दिखने वाला है। आप ज़्यादा हैवी नेकलेस पे मत जाओ, जाओ तो प्लीज़ पतले से सेट लो, ये बहुत प्यारे दिखेंगे। आपको खुद को भी कहीं पे आप जाओगे तो और फील नहीं होगा, तो डेफिनेटली ऐसे ज्वेलरी ट्राई करो। तो यहाँ पे मैंने आप सबके साथ 5 राजपूती ज्वेलरी बताई है जो आप सबके पास होनी ही चाहिए, तो इन ज्वेलरी को आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई बाईसा ऐसी है जिन्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन सी ज्वेलरी लूँ, तो आप ये 5 राजपूती ज्वेलरी ले सकते हैं। ये आपके काफ़ी आउटफिट्स पे भी जाएंगे, कुछ कोई भी ज्वेलरी आपकी वेस्ट नहीं होगी, तो आप ज़रूर ले। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से वीडियोस और देखने हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करो, ताकि मेरी जो न्यू नोटिफिकेशन है वीडियोस के आपको मिलते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।